हरीम शाह की एक और वीडियो वायरल हो गई। या तो हरीम शाह ने खुद लीक करी या वो लीक हो गई, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन अक्सर इल्ज़ाम जो लगता रहा है हरीम शाह के ऊपर, वो यही लगता रहा है कि अक्सर जितनी भी वीडियोस लीक हुई उसमें ज़्यादातर हाथ जो है हरीम शाह का है। अब हरीम शाह अपनी वीडियोज़ खुद क्यों लीक करेगी, ये सवाल सबके जहनों में आता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये एक है कि हरीम शाह को हमेशा ट्रेंडिंग में रहने का शौक है। वो सोशल मीडिया की जीनत बनी रहती हैं, उनको वो चाहती हैं कि वो सोशल मीडिया पे इन रहें, इसीलिए वो अक्सर बेशतर जो है इस तरह की वीडियोस इस शो से छोड़ती रहती हैं। तो अभी भी एक नया शोशा सामने आया है हरीम शाह से मुतालिक, 3 मिनट 15 सेकंड से मुतालिक कोई वीडियो जो चल रही है, वो वीडियो अभी तक नजर नहीं आई कहीं भी सोशल मीडिया पर। सिर्फ यही लिंक चल रहा है कि हरीम शाह की वीडियो लीक हो गई, उसमें कुछ तस्वीरें हैं, नाजेबा तस्वीरें, वो जरूर वायरल की गई हैं, और वो तस्वीरें भी ऐसा लगता है कि वो एडिट शुदा हैं। कोई तस्दीक नहीं हो रही, ना किसी से कोई रद्द मिला, ना कोई खबर चल रही है कि हरीम शाह की कोई वीडियो लीक हुई है। लेकिन एक वीडियो जरूर हमारे हत्थे चढ़ गई है, और वो वीडियो ऐसी है कि उसमें सीसीटीवी कैमरा जो है उसकी फुटेज है, और वो वीडियो कितनी पुरानी ये भी कहा नहीं जा सकता। उस वीडियो में हरीम शाह को वाजे तौर पर देखा जा सकता है सीसीटीवी कैमरे के अंदर। तो हरीम शाह नाइटी के ड्रेस के अंदर किसी मर्द को अपने बेडरूम से निकाल के दूसरे गेट से बाहर ले जाती हैं। तो इतनी वीडियो है कि वो चल के जाती हैं, दूसरा गेट खोलती हैं और उस बंदे को बाहर निकाल देती हैं। सिर्फ इतनी वीडियो है, इसके अलावा जितनी भी वीडियोस दिखाई जा रही हैं हरीम शाह से मुतालिक वो सब फेक हैं। हरीम शाह की ओरिजिनल वीडियो अभी तक सामने नहीं आई है, और हो सकता है जब तक हम ये वीडियो हमारी अपलोड हो रही हो जब तक जो है हरीम शाह की कोई नई वीडियो वायरल हो जाए, क्योंकि मुस्तकिल हरीम शाह की टोटे छोड़े जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वीडियोज छोड़ी जा रही हैं। दो तकरीबन 1 से 2 क्लिप तो मेरे पास आ चुके हैं, तो एक ये वीडियो, एक और जो दूसरी वीडियो उसमें किसी अफ्रीकी के साथ वो बेडरूम में मौजूद है। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो हरीम शाह की, उसमें हरीम शाह को ही दिखाया गया। फिलहाल ये है कि हरीम शाह की ये वीडियो लीक हुई है या लीक की गई है, दोनों बातों में हरीम शाह फिर सर्च की जा रही है। हर आदमी हरीम शाह को ही सर्च कर रहा है, जहां तक कि ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, फेसबुक हो, सब जगह पे। और यहां तक कि हमें भी बेशुमार मैसेज आ चुके हैं अब तक, जो हमने मैंने जो पोस्ट लगाई थी ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे, तो लोग हमें, मुझे भी पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, जिसमें लड़के लड़कियां सभी शामिल हैं, वो सबको हरीम शाह की वीडियो चाहिए, नाजेबा वीडियो। तो हरीम शाह की नाजेबा वीडियोज का सिलसिला जो है पिछले कई, आपको पता, अरसे से चल रहा है, और पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा। तो ये जो वीडियोस लीक करते हैं या वीडियो लीक हो जाती है, ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं रहा, और लोग भी ऐसे हैं कि वो पागल हो इतना इसको सर्च कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हरीम शाह को जब सर्च किया जा रहा है तो उसका मतलब हरीम शाह अब ट्रेंडिंग में आ गई, तो आने यानी कि ऐसा होगा कि हरीम शाह अब दोबारा ट्विटर पर ट्रेंड करने लगेंगी, क्योंकि अब हर आदमी हरीम शाह को सर्च कर रहा है। जब ट्विटर पर ट्रेंड होंगी तो हरीम शाह को उससे ट्विटर जो है उसके फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे, उससे व्यूज आएंगे, उसकी रीच अच्छी होगी, तो ट्विटर से हरीम शाह को पैसे मिलेंगे। तो इतनी इतनी सी बात है कि ट्विटर पर ट्रेंड करने के लिए हरीम शाह, हो सकता है कि उन्होंने ये अपना चाल चली हो और अपनी वीडियोज का एक शोशा छोड़ा हो, क्योंकि ये उन्हीं के पास से लीक हो सकती है, बाकी कोई और लीक नहीं कर सकता। फिलहाल ये अपडेट है कि हरीम शाह की वीडियो आ गई है, वो भी हमारे पास है, हम यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकते। हाँ, लिंक्स में अगर कोई किसी को चाहिए तो हम आपको इनबॉक्स वगैरह कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे कहीं पे आ जाए तो वहां पे आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे आपको वीडियो यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते। तो अब जैसे कोई इसके मुताबिक नई अपडेट है कि हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अपने जावेद सदी को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।